मित्रों, ये पायलट जी कोई भी बहाना कर यहां पर धरने पर बैठ जाए, मगर समझ लो कांग्रेस पार्टी में मैं पायलट जी को भी कहने आया हूं, आपका नंबर पायलट जी कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा उस तरह से कांग्रेस के खजाने में कंट्रीब्यूशन आपका कम है, आप कर नहीं सकते हो। गहलोत जी ने राजस्थान की जनता को, राजस्थान की सरकार को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर लूटने का काम किया है, और भ्रष्टाचार का खजाना कांग्रेस के खजाने में, सरकार वोट बैंक की लालच में कोई कड़े कदम नहीं उठाती। हमारे गुजरात में भी बम ब्लास्ट हुए थे, राजस्थान में भी बम ब्लास्ट हुए थे, वसुंधरा जी की सरकार थी, सबको पकड़कर जेल में डाला, फांसी की सजा हुई, गुजरात में भी फांसी की सजा हुई, हाईकोर्ट में अपील थी वोट प्राप्त करने के लिए, गहलोत सरकार ने ढंग से आर्ग्यूमेंट नहीं किए और सारे बम ब्लास्ट के आरोपी छूट गए। अरे गहलोत जी, शर्म करो, शर्म करो, जो मर चुके हैं बम ब्लास्ट के विक्टिम है, इनके मृत्यु पर आप राजनीति कर रहे हो, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, आप क्या समझते हो? राजस्थान की जनता समझती नहीं है, इस सारी चीजों को राजस्थान की जनता देख भी रही है, सुन भी रही है और मन भी बना चुकी है, आपका जाने का समय अब निश्चित हो गया है। ये सरकार सिर्फ अब अपना संवैधानिक आयुष्य पूरा कर रही है, ये सरकार जनता के मन पर से उसी दिन निकल गई जिस दिन रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक लगा दी और भगवा झंडा लगाने पर आपने प्रतिबंध कर दिया। गहलोत जी, राजस्थान की सरकार जनता ये सहन नहीं करेगी, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति का चप्पे चप्पे पर वोट देकर जवाब देगी। आप क्या समझते हैं, चुप रहेगी राजस्थान की जनता? आपने वोट बैंक की राजनीति की पराकाष्ठा की है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये सरकार 3D के आधार पर चलती है। पहला डी दंगे का डी है, दूसरा डी महिलाओं से दुर्व्यवहार का डी है, और तीसरा डी दलितों पर अत्याचार का डी है। ये 3D सरकार राजस्थान की जनता अब नहीं रहने देगी। बेकार युवा, बेरोजगार युवा देश में सबसे ज्यादा दर से अगर बेरोजगारी कहीं बड़ी है तो राजस्थान के अंदर बड़ी है। मित्रों, ये पायलट जी कोई भी बहाना कर यहां पर धरने पर बैठ जाए, मगर समझ लो कांग्रेस पार्टी में मैं पायलट जी को भी कहने आया हूं, आपका नंबर पायलट जी कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा उस तरह से कांग्रेस के खजाने में कंट्रीब्यूशन आपका कम है, आप कर नहीं सकते हो। गहलोत जी ने राजस्थान की जनता को, राजस्थान की सरकार को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर लूटने का काम किया है, और भ्रष्टाचार का खजाना कांग्रेस के खजाने